नव्या सरकारच्या फॉर्म्युल्याची चिंता करू नका, त्यासाठी उद्धव ठाकरे सक्षम आहेत। महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली सरकार येणार आहे, लाख प्रयत्न करा। कुणीही शिवसेनेला रोखू शकणार नाही असा विश्वास शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी बोलून दाखवला आहे। मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राऊत बोलत होते। भाजपला वगळून राज्यात सत्ता स्थापनेच्या सुरू असलेल्या हालचालींवर त्यांनी भाष्य केलं। काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे, लवकरच त्याला अंतिम रूप दिलं जाणार आहे। नवं सरकार हे किमान समान कार्यक्रमावर चालणार आहे, राज्याचं हित या कार्यक्रमाच्या केंद्रस्थानी असेल असं राऊत यांनी म्हटलंय। नव्या सरकारमध्ये शिवसेनेचा मुख्यमंत्री 5 वर्ष असेल का असं विचारलं असता राऊत म्हणाले, फक्त 5 वर्षांचा विचार का करता, शिवसेनेचा मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात 25 वर्ष राहावा अशी आमची इच्छा आहे। शिवसेनेचा महाराष्ट्राच्या सत्तेत कायम राहणार, आम्ही येत जात राहणार नाही, पुन्हा पुन्हा येईल असं म्हणणार नाही असं राऊत म्हणाले। हम तो चाहते है आने वाले 25 साल में शिवसेना का सीएम रहे, अब 5 साल की बात क्यों करते हैं। लेकिन हम बार बार ये नहीं कहेंगे कि मैं वापस आऊंगा। हमको महाराष्ट्र में रहना है, राज्य के साथ हमारा जो रिश्ता है वो कायम है, ये रिश्ता टेम्पररी नहीं है, 5 साल का नहीं है। शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी है, 50 साल से हम इस राज्य के राजनीति में हैं, तो हमको महाराष्ट्र में रहना है और हम राज्य में ही रहेंगे। हम आते जाते नहीं रहेंगे, अब सत्ता में हम सत्ता में ही रहेंगे। सर, एक फॉर्मूला आ रहा है सामने कि शिवसेना के पास सीएम के अलावा 14 मंत्रालय, कांग्रेस को 12 मंत्रालय और एनसीपी को 14 मंत्रालय। फॉर्मूला की चिंता किसी ने करने की जरूरत नहीं। उद्धव ठाकरे साहब सक्षम है, वो करेंगे। 24 तारीख से मैं और उद्धव ठाकरे साहब हमेशा ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। शिवसेना के नेतृत्व जो भी सरकार बनेगी वो शिवसेना के नेतृत्व में ही बनेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। महाराष्ट्र को नेतृत्व शिवसेना ही देगी, चाहे लाख कोशिश करे रोकने की, कोई रोक नहीं सकेगा।